नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे स्पर्श भाग से एक पाठ पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तीसरी कसम ये एक फिल्म का नाम है और इस फिल्म को एक शैलेंद्र एक दिग्दर्शक है, उसने बनाई है और ये उसकी कहानी है, उनकी कहानी है कि उन्होंने किस प्रकार ये फिल्म बनाई है और इसके अभिनेता अभिनेत्री कौन है और किस हालात में उन्होंने ये फिल्म बनाई है। तो ये एक फिल्म पर दर्शाया हुआ पाठ है। इस पाठ से आपको सीख मिलेगी, जैसे अंतःकरण में जब भावनाओं की वेदवती प्रभावित होती है, वो अभिव्यक्ति स्वरूप फिल्म, चित्रकला या किसी अन्य शिव का रूप धारण कर समाज में समक्ष उपस्थित हो जाती है। तो आपको यहाँ इस फिल्म के ज़रिए समझ में आ जाएगा और अपने देश के साथ साथ दूसरे देश की संस्कृति से भी आप परिचित होंगे, अलंकारित भाषा को आप पहचानने में सक्षम हो सकोगे। जैसे हम लेखक का परिचय देखेंगे, यहाँ ये पाठ जो है प्रहलाद अग्रवाल ने लिखा है और इनका जन्म 1947 को मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ है। भारत की आज़ादी के साल मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में जन्मे प्रहलाद अग्रवाल ने हिंदी से MA तक शिक्षा हासिल की। इन्हें किशोर वय से हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकार के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानना और उस पर चर्चा करने का शौक था। इन दिनों सतना और शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राध्यापन कर रहे प्रहलाद अग्रवाल फिल्म क्षेत्र में जुड़े और लोगों और फिल्मों पर बहुत ही कुछ लिख चुके हैं और आगे भी इस क्षेत्र में अपने लेखन का विषय बताए रखने के लिए कृत संकल्प है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सातवां दशक, तान शाह में खुशबू, सुपरस्टार, राजकपूर, आधी हकीकत, आधा फसाना, रवि कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चीर अतृप्त, गुरुदत्त, उताल उमंग, सुभाष घाई की फिल्म कला, ओरे मांझी बिमल आदि उन्होंने फिल्म लिखी है। और ये राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक 21वीं सदी का ये सिनेमा है। तो इन सिनेमा के ये इन्होंने ये उन्होंने वहाँ लेख लिखे हैं।